हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16 ममता, पाठ परिचय। ममता एक ऐतिहासिक कहानी है जिसमें भारतीय नारी की करुण अवस्था और उसके त्यागमय उत्कर्ष का ही वर्णन किया गया है। इसमें युद्ध की विभीषिका और सामान्य जन पर पड़ने वाला प्रभाव सांकेतिक रूप में दिखाया गया है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के गंभीर तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात के वह सुख के कंटक, शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपत की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रित प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहां अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रभाव में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह वेसुत थी। पिता का आना न जान सकी चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्रायः होता। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंतता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। सेवक थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी, तेरे लिए बेटी उपहार है। यह कहकर चूड़ामणि ने उसका कपड़ा उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहां से आया। चुप रहा ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने उत्कोच स्वीकार कर लिया। पिताजी यह अनर्थ है। अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। इस पत्नोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहितास पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपदा के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधी बना रही है। मूर्ख है, यह कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य सम्राटों के कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूना तृण गुलमों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। अनन्याशी चंत यंतो मा ये जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो, स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं, चौसा। युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। क्या शेरशाह से, स्त्री ने अपने ओंट काट लिए। हां माता, परंतु तुम भी वैसी ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा था, साथी छूट गए, अश्व गिर पड़ा। इतना थका हुआ हूं, इतना
कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेकर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्या छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा महिम मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चलेगी। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहां हूं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत थी। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार हुए हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वो ही चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की संभागनी रही। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहनशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री ने कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहनशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत थी। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुम्बी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं।